हम कितनी प्रसन्न थी कि विवाह के उपरांत भी हम बहनें साथ साथ रहेंगी, ससुराल में भी मायके के भांति रहेंगी। क्या पता था कि भाग्य में ससुराल पहुंचकर ही बिछड़ना लिखा था। दीदी, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? मेरी अनुपस्थिति में तुम तीनों का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। सबसे पहले तो मेरे स्थान पर तुम तीनों को बड़ी माँ की देखभाल करनी है। रघुकुल की परंपरा और एकता सारे संसार में प्रसिद्ध है। तुम तीनों को उस एकता को बनाए रखना है, इस परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना है। मुझे तो दुख इस बात का है दीदी कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे परिवार के कारण हो रहा है। नहीं मांडवी, होने को कौन टाल सकता है मांडवी, किंतु तुम मुझे वचन दो कि तुम माता कैकेयी को पल भर के लिए भी आभास नहीं होने दोगी कि इस घटना के कारण पारिवारिक नातों में कोई भी अंतर आया है। तुम तीनों को हर स्थिति को संभाल के रखना होगा। पुत्र वधुएं वो स्तंभ होती हैं जिन पर परिवार की परंपरा टिकी होती है। हम चारों वही स्तंभ हैं। मैं तो जा रही हूं, किंतु अब इस परंपरा को तुम तीनों को ही संभाल के रखना होगा। दीदी, ये सोचकर ही मन कांप उठता है कि हम आपको 14 वर्ष तक नहीं देख पाएंगे। उर्मिला, कालचक्र कितनी तीव्रता से चलता है, पलक झपकते ही ये 14 वर्ष भी बीत जाएंगे और फिर हम चारों एक बार फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देवी उर्मिला कहाँ गई? ये क्या है स्वामी? देवी, मैं भ्राताश्री के साथ वनवास को प्रस्थान कर रहा हूं। आप, इसका अर्थ है आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? मैं तो धन्य हो गई। नहीं देवी, मुझे खेद है कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों? दीदी तो जीजाश्री के साथ जा रही हैं। जब आपके आदर्श अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ ले जा सकते हैं तो आप मुझे क्यों नहीं ले चलते? देवी, मैं भ्राताश्री का सेवक बनकर जा रहा हूं और एक सेवक को यह शोभा नहीं देता कि वो किसी और को अपने साथ ले जाकर अपने स्वामी का भार बढ़ाए। देवी, मैं जानता हूं कि आपको इसका दुख है, परंतु मुझे विश्वास भी है कि आप मेरी परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करेंगी। मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा करती। देवी, मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूं। आदेश दे स्वामी। भ्राताश्री का आदेश है कि जब तक आप मुझे स्वेच्छा से और प्रसन्नता पूर्वक अनुमति प्रदान नहीं करेंगी तब तक मैं उनके साथ नहीं जा सकता। देवी, आप तो जानती हैं
कि मैं भ्राताश्री के बिना सांस भी नहीं ले सकता। मैं जानता हूं देवी कि आप लक्ष्मण की पत्नी होने का दंड भोग रही हैं, परंतु जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए स्वामी, आपके भ्राता प्रेम को ये संसार सदा उदाहरण के रूप में स्मरण रखेगा। मैं मन की गहराइयों से आपको जाने की अनुमति देती हूँ और ये वचन भी देती हूँ कि आपके लौटने तक मैं कोई भी वह सुख नहीं मांगूंगी जो वन जीवन में आपको ना मिलता हो। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारे इस त्याग और बलिदान को संसार सदैव याद रखेगा। पति का निर्णय सुन लिया फिर भी नहीं उदास, रहकर महलों में उसे सहना है बनवास। होठों पर होगी हंसी, मन में होगी आग, अमर रहेगा उर्मिला जग में तेरा त्याग, जग में तेरा